हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, है ना। आज भी मैं एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी क्या है? वो है आलू और प्याज की सब्जी। जो छोटे छोटे गोल गोल प्याज नहीं मिलते, तो प्यारे से मीठे मीठे इसी प्याज से मैं सब्जी बनाऊंगी। चलिए मेरी वीडियो प्लीज़ पूरा देखें, तभी आप लोग को पता लगेगा कि बहुत सिंपल रेसिपी है पर अच्छा है। और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आ रही हो तो मेरे लिए लाइक तो बनता ही है, अगर काम का लगे तो शेयर भी करें। और सब्सक्राइब अभी तक बहुत होने नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरी भी इच्छाएं बनती रहेंगी। चलिए बनाते हैं आलू और प्याज की सब्जी। आप लोग देख ले मैंने तेल कितना डाला है, लगभग मैंने 2 से 3 चम्मच तेल लिया है। और चलिए इसमें थोड़ा सा पहले ज़ीरा डाल देते हैं, लगभग 1 छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। और साथ ही साथ मैं चॉप अनियन डाल रही हूँ, जो कि मैंने 3 लिया है और बहुत महीन मैंने इसको चॉप किया है। बस इन्हें हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे फ्राई करना है। आप लोग देख ले बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब मैं इसी में प्याज और आलू को डालूंगी। प्याज हम कोशिश कीजिएगा इसी तरह का छोटा छोटा लेने का, क्योंकि ये प्याज बहुत मीठा होता है और इसी से ये सब्जी ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलिए आलू और प्याज सबको मैं डाल रही हूँ, और इन्हें भी मैं इसी प्याज के साथ मैं इसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए कम से कम फ्राई कर लेंगे। अभी इस समय हम कुछ नहीं डालेंगे, नमक हल्दी कुछ नहीं डालेंगे, बस फ्राई करना है थोड़ा सा, ज़रूर करें। चलिए अब इसमें मैं हल्दी मिला लूँगी। हल्दी इतना मिला दे कि सब्ज़ी में जितना लगेगा उतना हल्दी मिला दे, और नमक भी मैं उतना ही मिलाऊंगी जितना सब्ज़ी में लगेगा, यानी कि स्वाद अनुसार। चलिए एक बार फिर से चला लेते हैं इसको। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, सबसे मज़े की बात तो ये है, और साथ ही साथ बहुत टेस्टी भी होती है। गैस का फ्लेम नहीं मैं इसमें धीमा कर रही हूँ, और अब मैं मसाले मिलाऊंगी। 1 चम्मच और ये रहा 2 चम्मच धनिया पाउडर है ये, और मिर्चा मैं स्वाद अनुसार डालें, और ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी डालें। 1 चम्मच मैंने डाला ज़ीरा पाउडर। और चलिए इन्हें भी थोड़ा सा भून लेते हैं। ये भी अच्छे से भुन चुका है और साथ ही साथ अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अभी तक आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि मैंने पानी नहीं इस्तेमाल किया है। चलिए अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी डालूंगी, जो कि मेरा ये 2 टमाटर है, इन्हें भी अच्छे से मिला लेते हैं। और मैंने उसी में 1/2 कप लगभग पानी लिया है, और अब बस इसका काम यह है कि बस इसको हमको बॉयल करना है कि आलू और प्याज दोनों अच्छे से गल जाए, बस उतना इंतज़ार करना है। चलिए इन्हें ढक के गलने का वेट कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। हालांकि मैंने एक बार बीच में चेक किया था तब मेरे आलू गला नहीं था, तो उम्मीद करते अब तो गल गया होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे से गल गया है। और आप लोग चाहो, अगर आप लोग का मन हो कि इसी तरह सूखा बनाएंगे तो इसी तरह इसी समय आप उतार सकते हैं, पर हम थोड़ा ग्रेवी रखेंगे इसलिए थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। ग्रेवी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर ले। और आप लोग देख भी सकते कितनी जल्दी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है, और सच बता रहे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। और हमारे घर में तो इसको चावल से खाया जाता है, क्योंकि इसीलिए मैंने ग्रेवी को रखा है। आप लोग जैसे भी खाएं, मेरी रेसिपी आप सबको अगर पसंद आ रही हो तो मेरे लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है जी। चलिए इसमें एक उबाल आ जाए, बस ये कंप्लीट है, उसके बाद आप लोग के लिए सर्व करते हैं। बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है और मेरी सब्जी कंप्लीट, बहुत अच्छे से उबाल आ गया।
ये रहा आप लोग के लिए प्याज और आलू की सब्जी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत सिंपल रेसिपी है जी। और चावल के संग खाइएगा, ठीक। और खैर अपनी चॉइस है, अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगी दूसरी रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय।